प्रधानमंत्री मोदी जी ने भोपाल में बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लोग लाएंगे, तो आपको क्या लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत जैसे डाइवर्स देश में लाना पॉसिबल भी है, इम्प्लीमेंटेशन इसकी पॉसिबल है? देखिए मैडम, भारत जैसे देश में समान नागरिक संहिता बिल्कुल लाना चाहिए और मोदी जी का ये कदम बिल्कुल सर्वथा उचित है और स्वागत योग्य है, क्योंकि समान नागरिक संहिता ये कह रहा है कि इस देश की संविधान का आप सम्मान करो, जैसे हिंदू करता है वैसे ही मुस्लिम भी करे, लेकिन ऐसा मुस्लिम करता नहीं है, अक्सर नहीं करता, वो हमेशा शरिया को अपने सामने लेके आ जाता है। और मोदी जी का यही कहना है अगर देश के आप नागरिक हैं तो समान नागरिक की तरह आप व्यवहार करिए, शरिया को संविधान से नीचे रखिए, लेकिन वो ये मानते ही नहीं, हमेशा ऑर्थोडॉक्सिकल बिहेव करने लगते हैं। तो इसके लिए कट्टर अगर बनेगा कोई तो ये कोई गलत बात नहीं है। जैसे सावरकर ने कहा था कि अगर आप प्यारे मुसलमान हैं, भारतीय को प्यार करने वाले मुसलमान हैं, तो मेरे से प्यारा हिंदू कोई नहीं, दुनिया में कहीं नहीं। लेकिन आज सावरकर के नाम पे लोग ये बोल रहे हैं, मुसलमान बंधु बोल रहे हैं कि सावरकर के नाम पे प्रधानमंत्री मोदी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने लगे। इससे कोई संकेत नहीं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, ये तो सिर्फ एक भारत के भारतीयता की परिभाषा बताने वाला समान नागरिक संहिता है। तो उसको आप मुसलमान बंधुओं को भी फॉलो करने के लिए दबाव दिया जा रहा है और वो ये सोच रहे हैं इसमें हमारे अधिकारों का हनन हो जाएगा। उनके अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा, मुसलमान बंधुओं का कोई अधिकार, उनको नमाज पढ़ने से कोई रोकने नहीं वाला नहीं है, वो आप 10 वक्त की 7 वक्त की नमाज पढ़िए, अपने पढ़िए, लेकिन समान नागरिक संहिता का एक ही मूल उद्देश्य है कि इस देश का संविधान सबसे सर्वोपरि है और वो शरिया से सर्वोपरि है, उसे आप स्वीकार करिए बस। ऑपोजिशन इस बारे में ये कहते हैं, ओबीसी ने ये बयान दिया है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये आर्टिकल 25-26 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट है और इस्लाम की जो फंडामेंटल वैल्यूज़ है जिसमें पॉलीगैमी अलाउड है, सक्सेशन में लड़कियों को बेटियों को 1/3 राइट मिलता है और एडॉप्शन में जैसे एडॉप्शन नहीं अलाउड है, तो इस सब के अगेंस्ट है, इस्लाम के फंडामेंटली अगेंस्ट है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए इस्लाम के खिलाफ हमारे संविधान में कहीं कुछ नहीं था मैम, जो भी हमारे मूलभूत अधिकार दिए थे उसमें एक समान नागरिक संहिता की परिभाषा हमेशा से कही गई है कि जिस देश का संविधान सर्वोपरि है उसको मानिए आप। लेकिन अब ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता लाई जा रही है और हमारे अधिकारों का हनन किया जाएगा, तो इससे किसी प्रकार का कोई समान मूलभूत अधिकारों को हनन नहीं होगा, इसमें जो भी जिसका कहना ओवैसी साहब का कहना है तो वो अभी उचित नहीं है। समान नागरिक संहिता अभी लाना चाहिए, बिल्कुल उपयोगी होगा इस देश की समान नागरिक संहिता में, क्योंकि देखिए आप अगर इस्लाम समझें, इस्लाम का मतलब होता है टू एंटर इनटू साइलेंस, तो इस्लाम का मतलब शांति में गहरा प्रवेश, लेकिन कहाँ पे आप देखते हैं किसी मुस्लिम बंधुओं को शांति में प्रवेश करने के लिए लगता? हमारा धर्म तो वसुदेव कुटुंबकम वाला है, पूरे विश्व को अपना भाई मानता है। आदरणीय महान मानवतावादी स्वामी विवेकानंद ने 1896 में जाके अमेरिका में कहा था मेरे प्यारे भाई बहनों, तभी समझ गए थे हिंदुत्व क्या है। तो आज उस हिंदुत्व को अगर हिंदू धर्म के आधार पर आदरणीय मोदी जी अपने तपस्या से प्रतिफलित करने जा रहे हैं, तो उसमें मुसलमान बंधुओं को किसी प्रकार का भय और डर नहीं होना चाहिए, ये तो उनके और प्यार के होने के लिए भूमि को और पैदा किया जा रहा है और इतना प्यार बढ़ेगा हिंदू मुसलमान में। ये मोदी जी को लेकर चला कहा जाता है कि मोदी ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हिंदू के पक्षधर हैं मुसलमानों के विरोधी, ऐसा कभी ही नहीं है, कतई नहीं है। आदरणीय मोदी जी बराबर बराबर हिंदू और मुसलमानों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं और समान नागरिक संहिता कहीं से किसी भी प्रकार से मुस्लिम बंधुओं के अधिकारों का हनन नहीं करती, बल्कि वो एक निर्देश ये जरूर देती है कि आप जिस देश में रहते हो उस देश का संविधान सबसे सर्वोपरि मानो। आपने हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात की, आपके अनुसार हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का क्या अर्थ है? हिंदुत्व का मतलब है मेरे सामने वाला मेरा पड़ोसी भी मेरा भाई है, और जब मेरा पड़ोसी मेरा है तभी धर्म प्रतिफलित होगा। अगर पड़ोसी मेरा दुश्मन हो जाएगा तो मैं हिंदू मुसलमान और हिंदू धर्म मुसलमान धर्म क्या करूँगा? तो मेरा पड़ोसी अगर मेरा भाई लगने लगे, जो हिंदू कहता है पहली परिभाषा है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा भाई है, तो उसी को हम प्रतिफलित फिर से करना चाह रहे हैं हिंदुत्व की त्याग की धारणा के आधार पर, क्योंकि हिंदुत्व का मतलब होता है त्याग। जैसे गीता को आप बार बार बोलिए गीता 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 गी, तो त्यागी शब्द निकलता है, तो गीता का मूल मर्म है त्याग करना, त्याग करना, कर्म में भी त्याग फल में भी त्याग। तो इतना त्याग के जो हिंदुत्व की परिभाषा अगर हमारे हिंदुस्तान में आ जाएगी तो सारी विषमताओं का अंत हो जाएगा, हिंदू मुसलमान प्रेम मोहब्बत से एक जगह रहने लगेंगे, पूरी दुनिया की
कौम को नुकसान हो जाएगा, पूरी आर्थिक संकट आ जाएगा। इसीलिए हिंदू मुसलमान को लड़ा के बाहर बाहर किया जाता है। भारत पाकिस्तान के राजनीतिक धर्म हुआ जो 1947 से चला आया इस देश में और अभी तक चले आ रहा है। हिंदू वैमनस में अगर हिंदू प्यार करता है किसी को तो दिल जान खोल के प्यार करता है, तो मुसलमान बंधुओं को यह स्वीकार करना चाहिए कि हिंदू हमारा भाई है, हमारा भाई हमारा विरोधी नहीं है। समान नागरिक संहिता उसी की परिभाषा है।